तो आज हम लोग आए हुए हैं सरोवर एग्रो इंडस्ट्री। केले के वेस्ट मटेरियल जो कि उसके थंब होते हैं उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उससे हैंडीक्राफ्ट बनाया जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये रेसा बनाया जा रहा है, बनाना फाइबर से निकाला जा रहा है इसको। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाजीपुर वैशाली जहाँ की केले की खेती बहुत होती है, तो यहाँ पे ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो लोग किसान थे वो ऐसे ही थंब को वेस्ट कर देते थे, इनका कोई यूज़ नहीं आ पाता, तो ये ऐसे ही खेत में सड़ते रहते थे। तो तीन मशीन है, एक एक्सट्रैक्टर है, एक कटर है और एक कॉम्बिंग के लिए मशीन है। ये तुम्हारा स्टेम कटर हो गया। इसमें स्टेम को पहले क्या करना है, दो भाग में काट लेना है, समझे, फाइबर, क्योंकि जितने बड़े पेड़ रहेंगे उसमें फाइबर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद कटर पे देना है, कटर पे दो भाग जैसे कट गए रहेंगे, देखते हो दो भाग, एक पेड़ के दो भाग करते हैं, यहाँ बड़े पेड़ होते हैं, ये जो है ना तुम्हें हो गया अल्पान के पेड़ हुए, अल्पान के पेड़ थोड़ा बिग इन साइज होते हैं, इसलिए उसे दो भाग में करते हैं। और जैसे तुम्हें सिंगापुर ये हो गया, ये सब छोटे पेड़ होते हैं, तो सबको एक भाग में तुम कटर में डाल सकते हो, और छोटे हैं तो छोटे होते हैं तो उसका स्टेम के फाइबर टूटने के भी चांसेस कम रहते हैं, और ये बड़े पेड़ होते हैं, अगर बड़े पेड़ को जब कटर और एक्सट्रैक्टर में घुसाओगे तो उसके टूटने के चांसेस फाइबर के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम छोटे टुकड़े में कर लेते हैं, उसमें कटर में भी ईजी रहेगा, वेस्टेज कम निकले, और एक्सट्रैक्टर में जाएगा उसमें भी वेस्टेज कम निकले। इसे जो है ना चार भाग में काट लिए, एक पार्ट जो रहा उसको चार भाग में काट लिए, बीच बीच करके चार भाग में काटे, समझे, उस चार भाग में काटने के बाद उसको लेडीज तब स्प्लिट की, मतलब छुड़ाई पूरा, छुड़ाने के बाद जो है ना इसके साइड वाला पोर्शन जो है उसे निकाल दिया जाता है, जो मास्टर एक्सट्रैक्टर में मतलब पूरा, मतलब इसको जो है ना ये जो देख रहे हो साइड होते हैं वो मतलब पूरे छुड़ाते नहीं हैं, समझा, वो प्लास्टिक टाइप रहते हैं, तो ये तुम्हें साइड निकाल दिया जाता है, समझा, ये साइड निकाल दो, और ये जैसे छुड़ाया तो इसे जो है ना तुम्हें ये छुड़ा हुआ पार्ट को मतलब एक्सट्रैक्टर में घुसाया जाता है इस फॉर्म में, तुम्हें मतलब आधा फर्स्ट में तुम्हें हाफ पोर्शन करना, फिर सेकेंड में जब अंदर चला जाएगा फिर खींच करके फिर सेकेंड में हाफ पोर्शन करना है, ये हाफ पोर्शन करोगे फिर खींच लोगे तो फाइबर निकले रहेंगे इस फॉर्म में, समझे, इसे ड्राई होने के लिए दे देना है, ये हो गया। और अगर तुम्हें कॉम्बिंग करनी है तो कॉम्बिंग वाली मशीन वो है, कॉम्बिंग के प्रोसेस में जब हल्के धूप लगे रहेंगे ना, भींगा रहना चाहिए, क्योंकि भींगा रहेगा तो जल्दी कोई भी चीज़ टूटते नहीं है भींगे हुए में, समझे, फाइबर हो गए या कपड़ा समय जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हाँ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो उसी के लिए क्या, जब हल्का हल्का भींगे रहेंगे उसी समय उसे कॉम्बिंग में देना है, कॉम्बिंग के प्रोसेस में कॉम्बिंग मशीन में देना है, क्योंकि वो जल्द टूटे ना पूरा फाइबर, अगर फाइबर पूरे ड्राई हो गए रहेंगे, सूख गए रहेंगे तो वो फाइबर ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है। ये तुम्हारी कॉम्बिंग मशीन हो गई, इसमें कॉम्बिंग होती है, इसमें फाइबर को जो है ना प्रेस किया जाता है, यहाँ पे तुम्हें क्या होगा कॉम्बिंग के प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर का एक लॉट लो जो वो है आधा सूखे रहे, उसे जो है ना धीरे धीरे करोगे तो उसमें तुम्हें मतलब जितने भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। कट,
खाद का प्रोसेस इसमें यही रहेगा तुम्हें कि इसे जो है ना पहले ड्राई होने देना है, समझे, इसको 15-20 डेज इसे ड्राई होने देना, और ड्राई होगा ना तो इसको ड्राई गोबर भी ड्राई रहेगा तो दोनों को मिक्स कर देना पल्प सब के ऐड करते हुए 60-40 के रेशियो में ऐड करना। 60 तुम्हारा ये रहेगा, पल्प रहेगा, ये सब रहेंगे, वेस्टेज सब रहेंगे, 40 गोबर रहेंगे, ये तुम ऐड कर लोगे तो इसको 15 डेज ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा मिक्स करने के बाद, उसके बाद तुम उसे बर्मी में यूज करो। ड्राई होने के लिए सर ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं? हाँ, खुले में, ओपन एयर में। आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा है ये चीज़ करने से? कपड़ा ख़राब होता है, नौ ख़राब होता है,